अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। पोर्टेंट्स एंड यूटिलिटी, इसमें सबसे पहले जो है ना, हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं कि बेसिकली पॉलिटिकल साइंस होता क्या। पॉलिटिक्स कहते हैं सियासत को, ठीक है। मतलब सियासत, और सियासत किसको कहते हैं कि आपने कोई ऐसी हिकमत अमली की, ठीक है। फ़र्ज़ करें कोई पार्टी है, उसने ऐसी कोई हिकमत अमली की कि वो अपनी जो है ना, अपनी पार्टी को गवर्नमेंट में लेके आ रही है, ठीक है। वही पार्टी जो है ना, आगे आके गवर्नमेंट बना रही है। मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने जो है ना, ऐसी हिकमत अमली की जो कि एक स्टेट के बेनिफिट के लिए जो है ना, ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिटिकल सियासत उसे हम कहते हैं। और पॉलिटिकल साइंस, साइंस जो है ना, साइंस है, साइंस की डेफिनेशन ये है कि ऐसा नॉलेज, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। तो जो जो नॉलेज हम जो है ना, वो सियासत से इकट्ठा करते हैं, उसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अब पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी क्या क्या करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बिहेवियर्स को, स्टेट को स्टडी करते हैं, और जो है ना, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं लोगों के, ठीक है। पॉलिटिकल बिहेवियर्स, ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर्स और पॉलिटिकल सिस्टम को जो है ना, हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में ये है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना, एक सोशल साइंस है, ठीक है। अब सोशल साइंस से क्या मुराद है? सोशल, एनीथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशल। मतलब जो भी चीज़ सोसाइटी से रिलेट कर रही है, उसको हम सोशल कहेंगे। और साइंस, ठीक है, साइंस के वाले से मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो सोशल साइंस, मतलब जो सोसाइटी का जो है ना, हमें नॉलेज दे रही है, वो है जो है ना, सोशल साइंस, ठीक है। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस में जो है ना, हम एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल बिहेवियर्स को, पॉलिटिकल थॉट्स को, ठीक है। डिफरेंट्स जो लोगों ने अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए होते हैं, डिफरेंट थिंकर्स ने अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए होते हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंस में ये सारी चीज़ें जो है ना, हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो इसमें फर्दर जो स्टडी करते हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरीज को, ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज को, ठीक है, पब्लिक ओपिनियंस को जो है ना, हम देखते हैं, ठीक है, यूटिलिटीज़ में, कि हम उनको जो है ना, कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, ठीक है, जो पब्लिक के ओपिनियंस हैं, ठीक है। नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल वगैरह सब में जो ना, हम इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद इसके जो फाउंडिंग फादर हैं, वो प्लेटो, अरिस्टोटल है, ठीक है। अरिस्टोटल कंसिडर मैन इज एज अ सोशल एनिमल एंड पोलिटिकल एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें जो है ना, हम स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, इट इज़ थ्रू द स्टडी ऑफ साइंस डैट वी कैन एवेल्यूट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट, ठीक है। जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि पॉलिटिकल साइंस में हम जो है ना, स्टेट्स को स्टडी करते हैं, स्टेट का पॉलिटिकल बिहेवियर्स, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़, ठीक है। और जो है ना, डिफरेंट जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे उनको वर्क करना चाहिए, सब कुछ जो है ना, हम पोलिटिकल साइंस में जो है ना, स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव ये है कि ये एक लतीन वर्ड पोलिस से निकला है, जिसका मतलब है सिटी स्टेट, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स, पोलिस मीन सिटी स्टेट और साइंस मीन नॉलेज, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पॉलिटिकल साइंस मीन नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट, ठीक है। तो ये सच अ नॉलेज दैट डिस्कस प्रॉब्लम रिगार्डिंग अ स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसमें हम जो लिटरल मीनिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि पॉलिटिक्स, पोलिस मीन सिटी स्टेट और साइंस मीन नॉलेज, नॉलेज ऑफ द स्टेट। और ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक, अ ब्रांच ऑफ लर्निंग कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट फिलोसोफर्स ने अपनी डेफिनेशन दी हैं स्टेट के वाले से, जिसमें सबसे पहले अरिस्टोटल आते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज़ अ नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट, जो कि मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद डॉक्टर ग्रेनर आते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज़ रिलेटेड टू बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्टेट। उसके बाद पॉल चेंट्स आते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, वी डिस्कस द एक्टिविटी ऑफ स्टेट्स एंड रूल स्पेशली। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ स्टडी कर चुका हूँ, कि बेसिकली हम पॉलिटिकल साइंस जो है ना, वो किन किन चीज़ों से रिलेट करती है, ठीक है, और उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम स्टेट को स्टडी करते हैं, स्टेट के पॉलिटिकल बिहेवियर्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट के पॉलिटिकल जो गवर्न कर रही होती है स्टेट के ऊपर गवर्नमेंट, उसके पॉलिटिकल बिहेवियर्स, और जो उसके अंडर जो और जो उसके फंक्शन कर रहे होते हैं ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जो इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर रहे होते हैं स्टेट के, ठीक है, उनको जो है ना, हम स्टडी करते हैं। इसका स्कोप, पहले तो इसका इतना स्कोप नहीं था, लेकिन मॉडर्न टाइम पीरियड्स में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। वर्ल्ड वार टू के बाद पॉलिटिकल जो साइंस है, इसमें अब जो है ना, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है, वो बेसिकली इसका पूरी एक डिग्री जो है ना, आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइम जो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है हमारी जो है ना, सोसाइटी में, उसमें हम सबसे पहले जो है ना, स्टेट को स्टडी करते हैं, फिर गवर्नमेंट को, फिर पावर प्रोसेस को, ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर्स, राइट एंड लिबर्टीज, पॉलिटिकल थ्योरीज, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल
पॉलिटिकल फिनोमिना, पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह को जो है ना हम स्टडी करते हैं। और इन डिटेल में अगर हम जाएँ तो स्टडी ऑफ स्टेट में जो है ना पॉलिटिकल साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ स्टेट, जिसका मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें हम जो है ना स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स को, पॉलिटिकल बिहेवियर्स को, ठीक है, जो और जो ऑर्गन्स जो है ना फंक्शन कर रहे हैं उनका, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जो है ना हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के हम जो है ना डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स की क्या हिकमत अमली है, गवर्नमेंट कैसी गवर्नेंस जो है ना दे रही है, ठीक है। और उसके बाद जो डिफरेंट्स ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसा है, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस, जुडिशरी वगैरह का क्या प्रोसेस है, ये सारा जो है ना हम स्टडी ऑफ गवर्नमेंट में करते हैं। उसके बाद पावर प्रोसेस, ठीक है, पावर कंट्रोल द बिहेवियर्स ऑफ अदर, नो रूलर कैन रूल विदाउट पावर, ठीक है, कोई भी जो ना रूलर वो विदाउट पावर के रूल नहीं कर सकता, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जैसे कि ऑस्टन की थ्योरी है सॉवरेनिटी के हवाले से कि जो है ना सॉवरेन ही जो है ना लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग प्रोसेस वही करती है, जो वो सेंक्शंस जो है ना वो लगाती हैं अगर कोई लॉ को वायलेट करता है, ठीक है। तो ये पावर प्रोसेस होता है कि जो भी रूलर होता है उसके पास कोई ना कोई पावर्स होती हैं, कोई भी रूलर विदाउट पावर्स नहीं होता, ठीक है। पॉलिटिकल बिहेवियर्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले इसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसका जो है ना और मॉडर्न पीरियड में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के पॉलिटिकल बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, और उसके बाद जो है ना हम इसमें ये चीज़ें स्टडी करते हैं कि कैसे जो है ना हम लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करें और कैसे हम उनको आज़ादी दें, ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरीज जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी थ्योरीज पेश की हैं, ठीक है, उसमें और जो डिफरेंट थॉट्स हैं डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है ये सब। और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब दूसरे ममालिक के साथ हमने अपने ताल्लुकात कैसे कायम करने हैं, ठीक है, अपने होस्टाइल स्टेट्स जो हैं जिनके साथ जो है ना हमारा इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, ठीक है, ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए कि हम जो है ना उनके साथ अपने रिलेशन कायम कर सकें, अपनी ट्रेड कैसे करनी है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो ये सारी जो है ना हम इसमें स्टडी करते हैं। यूटिलिटीज मुराद यूज़फुल, ठीक है, इससे मुराद ये है कि हम कौन से ऐसे इकदाम करें जिससे हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, रन कर सके, मतलब कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, हमारी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस हो, ठीक है, हमारा जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट निकले, प्रोडक्ट्स जो है ना एक्सपोर्ट ग्रोथ करें, ठीक है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी जो है ना पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं कि हमें कौन से इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो है ना स्टेट आगे बढ़े, ठीक है। तो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हम कैसे जो है ना मज़ीद बेहतर जो है ना इसको सिस्टम को जो है ना मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ हमें यूटिलिटी के थ्रू ही पॉलिटिकल साइंस को हम कैसे यूज़फुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें पॉलिटिकल साइंस के थ्रू ही पता चलती हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टी, प्रमोशन ऑफ नॉलेज, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, लीगल कॉन्शियसनेस, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, उसके बाद एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन और प्रोवाइड प्लान्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें पॉलिटिकल साइंस को ही यूटिलाइज करके पता चलती हैं, ठीक है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली हमें बताती है कि हम कैसे चीज़ों को यूटिलाइज करके डेमोक्रेसी को मज़ीद बेहतर से और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सारी बात आपको पता है कि गवर्नमेंट होती ही वो है जो कि पब्लिक इलेक्ट करके लेके आती है, ठीक है, गवर्नमेंट सब कुछ जो है ना वो पब्लिक के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो उसमें ये जो है ना पॉलिटिकल साइंस ही हमें बताती है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें, कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करें कि हमें जो है ना हमारे राइट्स की जो है ना प्रोटेक्शन की जाए, ठीक है, जो राइट्स हैं सिटीजन के, ठीक है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कैसे उनके राइट्स से अवेयर किया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना प्रमोशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, यही पॉलिटिकल साइंस ही यूटिलाइज करती है कि नॉलेज को कैसे प्रमोट किया जाए, ठीक है, लोगों को उनके कैसे राइट्स जो है ना उनको तक कन्वे की जाए, ठीक है। तो ये सारी ड्यूटीज़ जो है स्टेट्स की वो भी जो है ना पॉलिटिकल साइंस ही जो है ना बताती है हमें, पॉलिटिकल साइंस के थ्रू ही जो है ना हमें जो ड्यूटीज़ वगैरह सारी पता चलती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये पॉलिटिकल साइंस के ही हमें पता चलता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे रन कर रही है, ठीक है, उसमें कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं और वो कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। जब इन चीज़ों का लोगों को पता होगा पॉलिटिकल साइंस के थ्रू, जब लोग इसको इन चीज़ों की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, तो तभी उनको उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वाले से पता चलेगा और तभी जो है ना स्टेट प्रॉपर वर्क करेगी। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, बहुत से लोग स्टेट में ऐसे रह रहे होते हैं जिनको पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का पता ही नहीं होता, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं स्टेट में रहने वाले, ठीक है, उनको जो है ना पॉलिटिक्स जो
गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है, ठीक है, उसको कैसे रन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना पॉलिटिकल साइंस ही बताती है, ठीक है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस में ये आता है कि टू अंडरस्टैंड हिज पोजीशन इन द रिलेशन टू द स्टेट, मतलब उसके दूसरे स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, ये चीज़ें हमें बताती है, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट्स को स्टडी करने के वाले से और जो डिफरेंट आइडियाज़ डेवलप करने के वाले से, ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है। टू अंडरस्टैंड करंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम, जो अभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं और उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। मेक पीपल कॉन्शियस ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, टू अंडरस्टैंड द करंट ट्रेंड्स, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। लोगों को पॉलिटिकल साइंस के थ्रू ही इंटरनेशनल लॉज के वाले से बताया जा सकता है, ठीक है। एनालाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इट मेक्स पीपल विजिलेंट, डेवलप अ स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। उसके बाद इट डील विद द ग्रेट पोलिटिकल इवेंट्स, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट्स, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स टू फॉर पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। पोलिटिकल साइंस के थ्रू ही जो ना पब्लिक अपनी ओपिनियंस जो है ना कन्वे कर सकती है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अगर तो लोगों को पता होगा कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो तभी वो, अगर उनके पास आइडियाज़ होंगे, वो पॉलिटिकल साइंस के थ्रू ही आइडियाज़ डेवलप होंगे, तो तभी वो अपनी बात जो है ना गवर्नमेंट को या स्टेट तक पहुंचा सकेंगे। टू इट हेल्प पीपल्स टू सेफ गार्ड देयर लिबर्टी, इट प्रिवेंट टू मिसयूज ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इट इम्प्रूव्स द नॉलेज ऑफ पोलिटिकल टर्मिनोलॉजी, ह्यूमन आउटलिक्स। तो ये सारी जो है ना पोलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है कि ये जो है ना सोशल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम जो है ना स्टेट को स्टडी करते हैं, ठीक है, वो फीचर्स ऑफ द स्टेट, जिसमें मतलब ओवरऑल थ्रू आउट द स्टेट के पॉलिटिकल बिहेवियर्स को जो ना हम स्टडी करते हैं, जो कि मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक वीडियो में, तो दो मियाँ रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।